हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाजिर हूँ आपका अपना प्यारा दोस्त अश्विनी किशोर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कीर्तिमान क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ फैक्ट्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं और ये आपको हमेशा काम आएंगे लाइफ में। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के थोड़ा सा जो नॉर्मल है उनके टेम्परेचर शेड्यूल, उनका रेस्पायरेशन रेट, उनकी पल्स रेट, इन सब का हम जिक्र करेंगे। जैसा मनुष्यों के केस में होता है वैसा ही एनिमल के केस में होता है, बस इसकी अमाउंट, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है। वही चीज़ें हैं, स्टेथोस्कोप का भी यूज़ किया जाता है, थर्मोमीटर का भी यूज़ किया जाता है, आप सभी को पता है। तो आपको सीधा ले चलता हूँ आर के कीर्तिमान क्लासेस के अंदर और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो आज हम स्पीशीज ले रहे हैं, एक तो हम ले रहे हैं काउ, बफलो, हॉर्स, कैमल, सीप, गोट, पिग, डॉग, कैट और फाउल। शायद हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। गाय, भैंस, घोड़ा या फिर घोड़ी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली और फाउल। फाउल के अंदर आपका पोल्ट्री जितना भी है, मुर्गा है और जितना भी है आपका, वो सब आ जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो काऊ का और बफलो का टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा सेम रहता है। तो सबसे पहले काऊ के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो काऊ का जो टेम्परेचर है वो 101.5 डिग्री फारेनहाइट रहता है और इसकी जो नॉर्मल पल्स रेट है, हार्ट रेट है, वो 40 से 60 पर मिनट हम डिस्कस कर रहे हैं, 40 से 60 होती है। रेस्पायरेशन रेट जो आपकी वो 10 से 20 होती है। इसी प्रकार बफलो की सेम रहता है टेम्परेचर 101.5 डिग्री फारेनहाइट, पल्स रेट आपकी 40 से 60 और रेस्पायरेशन रेट के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है 15 से 20। घोड़े की अगर हम बात करें, हॉर्स की, तो उसके केस में टेम्परेचर रहेगा 100.5 डिग्री फारेनहाइट, आपका जो पल्स रेट है वो 30 से 45 और उसी प्रकार रेस्पायरेशन रेट आपकी 9 से 12 हो जाएगी। कैमल की अगर बात करें तो कैमल के अंदर टेम्परेचर 95 से 101.5 डिग्री फारेनहाइट नॉर्मल रहेगा, पल्स रेट 30 से 50 और रेस्पायरेशन रेट 5 से 12। भेड़ और शिप की अगर बात करते हैं तो 102.5 शिप के अंदर टेम्परेचर 102.5 डिग्री फारेनहाइट में हम चल रहे हैं, पल्स रेट जो आपकी 55 to 75 रहेगी और रेस्पायरेशन रेट 15 to 30 हो जाएगा। उसी प्रकार सेम रहेगा आपका गोट का टेम्परेचर 102.5, पल्स रेट 55 से 75 और आपका रेस्पायरेशन रेट 15 से 30। पिग अगर सुअर की बात करें तो 101.2 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर रहेगा, 60 से 80 पल्स रेट रहेंगी, 10 से 25 आपका रेस्पायरेशन रेट रहेगा। डॉग की अगर बात करते हैं कुत्ते की, तो वहाँ पे 101.5 डिग्री फारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर है, 80 से 110 पल्स रेट रहेंगे आपकी और 15 से 25 आपका रेस्पायरेशन रेट रहेगा। कैट की अगर बात करें तो 102.2 टेम्परेचर और 110 से 130 पल्स रेट और 20 से 40 आपका रहेगा रेस्पायरेशन रेट। उसी प्रकार फाउल की अगर बात करें तो 106.5 आपका डिग्री फारेनहाइट में टेम्परेचर रहेगा, 120 से 160 पल्स रेट रहेगा और रेस्पायरेशन रेट रहेगा 15 से 50। आशा करता हूँ कि आप लोगों को, सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप इसे पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि क्या कमी रह गई आखिर और क्या हमें पूरी करनी है। वैसे हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। न्यू ईयर पे मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए आप सभी से सॉरी मांगता हूँ और हैप्पी मकर संक्रांति आल्सो, और 26 जनवरी आ रही है तो हैप्पी 26 जनवरी आल्सो। और आप सभी के लिए एक नई वीडियो आपकी कमेंट के आधार पे अब की बार मैं लेके आऊँगा, जो भी आपकी कमेंट्स होंगी
उसके आधार पर एक नई वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका अपना दोस्त अश्विनी किशोर। थैंक यू।